Great Neck, Long Island, which was an affluent town. His family had, relatively speaking, less money than a lot of others around him. So I think from an early age, you know, he felt a sort of hunger to become rich. हालांकि कोहिन का जन्म एक अमीर परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अमीर थे। वो अक्सर कोहिन को फैंसी रेस्टोरेंट्स और शोज में लेके जाया करते थे। कोहिन के ग्रैंड पेरेंट्स का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। कोहिन का जन्म 1956 में हुआ था। कोहिन अपने 8 भाइयों बहनों में से 3rd नंबर पे था। हाई स्कूल में उसने एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लिया था फास्ट कैश कमाने का। एज अ यंग मैन ही शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर पोकर। वो पोकर खेल के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाया करता था। कुछ देर के बाद उसको रियलाइज हुआ कि पोकर खेल के वो जॉब से भी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन पोकर खेलते हुए भी उसके मार्क्स पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए, जिसने कि उसकी मदद की उसको वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन दिलवाने की। अब उसको और ज़्यादा पैसा कमाना था, तो उसने बड़े कैसीनो के ऊपर हाथ रखा, जो कि स्टॉक मार्केट था। कॉलेज में होते हुए भी स्टीव कोहिन को एक कंपनी से जॉब ऑफर हुआ, जिस कंपनी का नाम था ग्रंटल। ये कंपनी एक ट्रेडिंग फर्म थी एंड ही एक्सेप्टेड दी जॉब ऑफर। एंड थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों की मेहनत के बाद, स्टीव कोहिन वॉज एबल टू मेक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर। ही वॉज मेकिंग सो मच मनी, लाइक लिटरली यू कॉन्ट इमेजिन। वो एक कंपनी में जॉब करके बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहा था। बट लिटिल डिड ही नो कि एक क्रैश उसका ये सब सपने ख़त्म करने वाले थे। 1978 में स्टॉक मार्केट जो है -22% डाउनफॉल हो गई, जिस पे कि क्रंटल और भी बहुत सारी कंपनी जो है बिजनेस से बाहर हो गई, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनी बैंक्रप्ट हो गई, बहुत सी कंपनी लुट गई, आप ऐसा समझिए। बट स्टीव कोहिन रुका नहीं, उसने अपने लॉसेस को रिकूप करने के लिए पोजीशंस बनाई और अपने लॉस को थोड़ा बहुत जो है वो रिकूप कर लिया। उसको फिर लगा कि मे बी मैं क्रंटल में अब काम नहीं कर पाऊंगा, सो उसने अपनी कंपनी खोलने का सपना देखा। इन 1993 उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसका कि नाम था SAC कैपिटल। SAC की शुरुआत 23 मिलियन डॉलर्स के साथ हुई थी, जिसमें से 10 मिलियन डॉलर्स स्टीव कोहिन ने अपने पर्सनल पैसे डाले थे। बाकी 13 जो मिलियन डॉलर्स थे वो उनके फ्रेंड्स और फैमिली और उनके कलीग्स वगैरह ने डाले थे। स्टीव कोहिन ने इस कंपनी को इतनी अच्छे तरीके से चलाया कि आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि जस्ट इन 3 ईयर्स ही क्वाड्रुपल्ड द साइज ऑफ द कंपनी फ्रॉम 23 मिलियन डॉलर्स टू ऑलमोस्ट 100 मिलियन डॉलर्स। उसने इस कंपनी की वर्थ को 23 मिलियन डॉलर से उठाकर 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया गाइज, और वो भी जस्ट इन 3 ईयर्स। अपनी इस सक्सेस के बाद स्टीव कोहिन ने मैंशंस, कार्स, बंगले सब कुछ लिया, और इसी दौरान कुछ देर के बाद ही वॉज मेकिंग नॉट मिलियंस बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर। कुछ देर के बाद SAC कैपिटल का पोर्टफोलियो मैनेजर मैथ्यू मार्टोमा ने बड़ी बड़ी पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर दिया इन 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इलॉन एंड वायथ, जो कि एक ड्रग ट्रायल जो प्रोड्यूस कर रहे थे फॉर अल्जाइमर्स। ऐसा माना जाता है कि मार्टोमा की जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो आ रही थी डॉक्टर गिलमन से, वो भी इन दोनों कंपनीज की, और इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट जो डिक्लेयर होने थे वो होने थे 28th of July 2008। मार्टोमा को पता था कि जो रिजल्ट आने वाले हैं वो थोड़े से निराश कर देने वाले हैं, इसीलिए SAC कैपिटल ने अपनी बड़ी पोजीशंस को अनवाइंड किया, यानी कि कैंसिल किया, अपनी पोजीशंस को काटा, और उसके बाद ही अब उन स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया। इस कारण स्टॉक जो है वो एग्रेसिवली गिरने लगा, और कोहिन ने इस दौरान 276 मिलियन डॉलर कमाए
सिर्फ एक सिंगल ट्रेड से। और यही वो दौर था जब स्टीव कोहिन का डाउनफॉल शुरू हुआ। फेडरल प्रोसिक्यूटर के हिसाब से मर्टोमा को ऐसा माना गया कि ये जो इसने ट्रेड ली थी ये 2014 की, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड थी पूरी हिस्ट्री में। और इसी दौरान SEC ने कुछ चार्जेस जो हैं वो SEC के एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगाए और कोहिन जो है वो उसने ये अपना केस जो है सेटल कर दिया और वो बच गया। लेकिन उसको पैसा मैनेज करने से बैन कर दिया गया, यानी कि 2018 तक SEC कैपिटल को बैन कर दिया गया कि वो कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते, वो कोई भी आगे अपना बिजनेस नहीं चला सकते। फाइनली 2014 में SEC जो था वो बंद हो गई और उसी को कन्वर्ट कर दिया गया 0.72 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, जो कि आज भी पब्लिक है, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, जिसका AUM है $22 बिलियन। रफली अगर आपको बताऊं तो इन 2020 0.72 पोस्टेड रफली 16% नेट गेन, विच इज लाइक वेरी वेरी गुड। तो ये स्टोरी थी स्टीव कोहिन की, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस अगर आप और ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे और बताइए और किसके ऊपर आप ऐसी स्टोरीज जो हैं वो देखना चाहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट वीडियोज़ एवर ऑन द YouTube। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइस।